तो गाड़ी लग गई जी पार्क में, और गाड़ी को पार्क में लगाने के बाद हम लोग आ गए हैं बीच के किनारे। तो हम लोग लाइट हाउस के अंदर जो एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से जाने वाले हैं ऊपर। यहाँ से नजारा देखिए। चलते हैं फिर से 7:30 बजे दर्शन का यहाँ टाइमिंग है, चल करके दर्शन करते हैं। तो देख सकते हैं जी बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है और पास में एक लेक भी है, और क्रियांश का देखिए वो भी धोती में है, हम भी है अपना धोती में। तो जिया ने जीते यहाँ पर है 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए का देख सकते हैं हाथ में है चेक। तो पतिदेव सारा सामान बाहर रख रहे हैं और कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर पहुँचेंगे एयरपोर्ट 7 बजे की फ्लाइट। तो पुवर आइलैंड तो हम लोग घूम लिए थी, और अब यहाँ से जा रहे हैं किसी अगले स्पॉट पर जो कि है कोवलम बीच। तो हम लोग कोवलम बीच में चलेंगे और यहाँ का तो नज़ारा लग रहा है जी, रोड का भी, आसपास जो नारियल का पेड़ सब है, मस्त लग रहा है। तो दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो हम लोग आ चुके हैं कोवलम बीच पे, और यहाँ की लहर देखिए कितनी तेज है, बहुत तेज है, पानी भी एकदम व्हाइट व्हाइट टाइप से लग रहा है, एकदम क्लीन है, लग रहा है कि साफ है इधर का पानी। इधर मेरा बेटा क्या कर रहा है बेटा? तो कोवलम बीच के पास जो है हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, और जो मेन रास्ता है उससे थोड़ा सा जो है ढलान टाइप का यहाँ रास्ता है, तो चल रहे हैं। और ड्रेस सब बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, इस टाइप का शर्ट सब हम कर रहे हैं, 2-3 और उठा ले हम यहाँ से, क्योंकि ऐसा वेरायटी मिलेगा नहीं सब सब पर वहाँ पे। तो ये है जी कोवलम बीच, तो हम लोग यहाँ पर उतरने वाले हैं कुछ देर में, बस गाड़ी को पार्क कर लिया जाए। और क्रियांश जो है अपना दूध पी लिया है, उसके बाद ताकत आ गई है, अब और बदमाशी करेगा कुछ देर। अच्छे से बिजी रखा है। A few moments later. तो गाड़ी लग गई जी पार्क में, और गाड़ी को पार्क में लगाने के बाद हम लोग आ गए हैं बीच के किनारे। तो देख सकते हैं पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, तो मजा आ रहा है जी। और क्रियांश को गोद में लेकर के चल रहे हैं, क्रियांश का चप्पल जो है हमने इधर ही उतार दिया है, क्योंकि उसको जमीन पर चलना रहता है अच्छा खासा, और उसको उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसको भी चलने देते हैं, मजे में खेलने देते हैं। और यहाँ पर घूमने के बाद हम लोग चलेंगे अपने होटल पर, और आज जो है शाम में हम लोगों को एक मंदिर भी जाना है, यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम लोग चल रहे हैं जी बीच किनारे, देख सकते हैं इधर, और क्रियांश जो है फैमिली भैया की गोद में चला गया है। पिछले 6 दिनों से भैया कोशिश कर रहे थे कि गोद में आए, लेकिन जा नहीं रहा था, तो आज हम लोगों का आखिरी दिन है केरला में, तो शैतान जो है आज गया उनके गोद में। बेचारे भैया कब से लेना चाह रहे थे उसको। कोवलम बीच में हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं इस समुद्र के तट के पास, और यहाँ पर है एक लाइट हाउस, तो हम लोग चलते हैं लाइट हाउस। मौसम बड़ा बेहतरीन है, क्रियांश भी सो गया है, इसको ढूंढते हुए, इसको कैरी करते हुए चलते हैं। सभी की चढ़ते चढ़ते हो गई हालत खराब, तो जिया के अलावा हमारे जो ड्राइवर थे उनका भी टिकट ले लिया हमने, कहा कि चलो जी आप भी चलो साथ घूमने, इस जगह आए हो आप भी मजे में घूम लो। तो हम लोग लाइट हाउस के अंदर जो एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ से जाने वाले हैं ऊपर, और भला है कि शुक्र है कि यहाँ पर लिफ्ट है, वरना पैदल चलते चलते क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं। तो हम जा रहे हैं, इधर है भाई साहब भी इधर है। तो चलते हैं ऊपर, क्रियांश अच्छा है सोया हुआ है, वरना तभी मजा अच्छा नहीं है, जगह रहता तो एंजॉय करता है, भागता लाइट को देख के। ना लाइट क्या देखेगा, वो चाहता कि नीचे कूदे हम लोग, समुद्र देखता वो। लाइट हाउस के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं जी, और आपको आवाज शायद हमारी नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है। यहाँ से नजारा देखिए, ओहरे साहब इतने ऊपर आ गए, और इतने ऊपर से आकर के यहाँ का नजारा देखते हैं, आगे है समुद्र, उधर है सागर, देखने का मजा आ गया। कर लिया जी, आप उसके बाद चल रहे नीचे, और लाइट हाउस जिन्होंने भी आज तक नहीं घूमा है चले जाइए, कसम से बहुत मजा आएगा आपको। One hour later. तो हम सभी आ गए रूम, और क्रियांश जो है क्या तो इसके पापा सोए हुए हैं, हम क्रियांश निकल के घूम निकलेंगे मंदिर, है ना क्रियांश? बाय। ओके बाय। 2 hours later.
तो कोवलम बीच में जी घुमा हुआ हो गया और उसके बाद रूम पर आए और ड्रेस चेंज कर लिया जिया ने। मैं अपना ड्रेस यहाँ पर मंदिर में चेंज करूँगा और किरास ने भी अपना जो है लुंगी पहन लिया है, देख रहे हैं। और जिया अपना ले रही है कुछ गजरा और उसके बाद जो है चलेंगे हम लोग इधर जो पीछे मंदिर दिख रहा है उस मंदिर में चलेंगे। ये गाँव में एग्जैक्टली दिखा नहीं आ रहा इस मंदिर का, क्या मैं नीचे यहाँ लिख लूँगा। बारिश हुई है कुछ देर पहले अच्छा खासा और अभी बारिश से राहत मिली है, तो चलते हैं। 6 से 7:30 बजे दर्शन का यहाँ टाइमिंग है, चल करके दर्शन करते हैं। देख सकते हैं जी बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है और पास में एक लेक भी है, तो यह लेक जो है और भी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। आगे जो है आपको मिल जाएगा धोती और लेडीज़ के कपड़े और जितना भी आप सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन हमने बाहर से ही ले लिया। नहीं लगाई आज तक, कोई बात नहीं, आज सीख लो लगाना, कोई बता देगी वहाँ पर, चल लो ना आगे। जी पूजा तो कर लिया हमने अंदर और वहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था, तो इसलिए कैमरा सब जो है लेकर के अंदर नहीं जाना था, तो इसलिए कैमरा सब जो है यहीं पर रख लिए। और क्रियांश का देखिए वो भी धोती में है, हम भी है अपना धोती में। धोती बोलते हैं लुंगी बोलते हैं, धोती बोलते हैं ना, हाँ तो चलो सही हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया जी पूजा पाठ, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा रूम पर। कल सुबह हम लोगों का फ्लाइट भी है, तो रास्ते में होगा कहीं तो अपना पेट पूजा कर लेंगे, नहीं तो कल देखा जाएगा फिर, ठीक है। तो जिया आप जीतने वाली है 75 लाख रुपए, तो जिया आप लेने जा रही है यह लकी ड्रॉ का टिकट और इसका जो विजेता है इसको मिलेगा 75 लाख रुपया। तो जिया ले लो, 2-3 टिकट ले लो। तो जिया यहाँ पर 10 करोड़ का स्कीम मिल गया है जिया को। तो जिया अपना ले रही है यहाँ से टिकट, ले लो, दो दे दो। तो जिया ने जीते यहाँ पर है 10 करोड़ रुपये, तो 10 करोड़ रुपये का देख सकते हैं हाथ में है चेक। तो चलते हैं अंदर और आपको इसके अंदर क्या है आपको दिखाते हैं, चलें चलो। तो मंदिर से आगे जी हम लोग अच्छे से घूम लिए और भोजन पानी भी हो गया और अब हमारा सफ़र जो है केरला का आज यहीं पर ख़त्म होता है। कल सुबह 4 बजे हम लोग निकल जाएंगे और वैसे पहले प्लान था हमारा कि कोची से रिटर्न होना है, लेकिन वो प्लान लास्ट टाइम में हमने चेंज कर दिया क्योंकि हमें लगा कि 5-6 घंटा बच्चे को लेकर के ट्रेवल करना थोड़ा सही नहीं रहेगा। और यहाँ से अयूब भाई जिनके साथ पिछले 6 दिन से थे, इन्होंने पूरा केरला घुमाया, बहुत अच्छे से घुमाया, सारा हमारा स्टे का इंतजाम इन्होंने किया। मैंने ऑनलाइन भी रेट चेक किया कई बार होटल का, तो हमेशा मुझे ऑनलाइन से लगभग 2-3 हज़ार कम ही मिला रेट, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। तो विदा लेते हैं अब इनसे। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि केरला आए और आपको एक लोकल आदमी चाहिए कि आपको सारा जानकारी सब मिल जाए, जैसे कि हम लोग प्योरली वेजिटेरियन खाना खाए हम लोग, तो भैया को सारा आइडिया था कि कहाँ पर प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो सब कुछ खाया है हम और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा भैया के साथ। और भैया का नंबर जो हम यहाँ डाल देंगे, अगर आप लोग भी चाहते हैं यहाँ पर टूर करना तो भैया आपका एक्सपीरियंस में जो है 4 चांद लगा देंगे, ठीक है। तो इनका नंबर हम यहाँ डाल देंगे, तो आप चलते हैं, ठीक है। तो ओके भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अयूब भाई तो चले गए जी और 6 दिन कैसे बीत गया पता नहीं चला, इस ट्रिप को बहुत ही यादगार बना दिया उन्होंने। एक ट्रिप का बस यही खराब बात होता है कि ट्रिप अगर शुरुआत होता है जिस समय एक्साइटेड रहते हैं तो ट्रिप खत्म भी होता है, और ख़त्म होने के समय जो है थोड़ा सा खराब लगता है कि बीत गया हुआ। और अयूब भाई बोल रहे थे कि क्रियांश को वो बहुत याद करेगी, बहुत मिस करेगी, मैं कॉल करूँगा तब मुझे उसे दिखाना वीडियो कॉल पर। मैंने कहा अरे भाई जाओ, जब आपको मर्जी हो आप कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से वो कोची चले गए हैं, लगभग उनका 5-6 घंटा का ड्राइव होगा, अच्छा खासा ड्राइव है। वैसे बात तो हुई थी हम लोगों की कि मैं एयरपोर्ट पर जाऊँगा आप ड्रॉप कर देना, लेकिन मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा ये बात, क्योंकि सिर्फ हमारे लिए उनको यहाँ पर एक स्टे करना पड़ेगा और वो अपना कोची चले जाएंगे, वहाँ से उनको नया बुकिंग मिल जाएगा, ये सब तो किसी के बिजनेस को अफेक्ट करना इस तरह से सही बात नहीं लगता। तो हमने कहा कि देखिए हम लोग कैब पकड़ के यहाँ से चले जाएंगे। अयो भाई कर रहे थे यार क्रिया उसको बहुत मिस करेगा, एकदम इमोशनल था बहुत, कितना मस्त आदमी था भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्या कहे, उनका अपना एक प्रोफेशन है लेकिन एक प्रोफेशन से भी हट के उन्होंने जैसे देखो हम लोग को कहीं जाना है अपना छाता दे दिया, उसके मतलब छोटी छोटी चीजें ही है, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही पता चलता है कि कितना दरिया दिल इंसान है। मतलब और क्रियांश के दूध के लिए दिक्कत आ रही थी कहाँ स्टोर किया जाए, तो उन्होंने अपना फ्लास्क दे दिया, वो पूछ रहे हैं दूध लिया क्रियांश का क्या खाया क्रियांश सब कुछ, बिल्कुल एकदम मतलब बच्चे का इतना ख्याल रखा है क्रियांश का, पूछिए मत, मतलब जितना हम लोग ख्याल रख रहे थे उससे कतई कम ख्याल नहीं रख रहे थे अयूब भाई। तो बहुत अच्छा लगा अयूब भाई, बहुत मिस करेंगे आप लोग।
हाँ वो कह दिया मैडम को बोलना एक बार जा रही थी क्योंकि क्रियांश सोया हुआ था ना इसीलिए बिल्कुल। जब भी केरला आएंगे अयुब भाई आपसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे, बहुत मजा आया आपके साथ। तो हम लोग तो सच में उनको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, लेकिन पतिदेव को ऐसा ही होता है कि जब भी इनको कोई अच्छा आदमी मिलता है ना, मतलब जैसे अपने फैमिली के साथ होते हैं ना, वैसे ही हो जाते हैं और कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इस टाइप की ये इंसान है। और इधर ही देख सकते हैं बाबू हमारे सोए हुए तो अभी मिलते हैं आप लोगों से सुबह में। अभी फिलहाल हम लोग जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि सुबह कितने बजे निकलना है? सुबह हमको निकलना है 4 बजे। 4 बजे निकलना है, इसलिए सब कुछ पैकिंग अभी ही करना होगा। The next day. तो अभी सुबह के 4 बजने वाले हैं और हम हो चुके हैं रेडी, पति देव भी रेडी हो चुके हैं। क्रियांश को सोए हुए में ही हम लोगों ने कपड़ा पहना दिया क्योंकि अभी वो सोया हुआ है, तो उसको सोने देते हैं, उठा करके ही सीधा चले जाएंगे, वो सोया रहेगा आराम से। तो पति देव सारा सामान बाहर रख रहे हैं और कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर पहुँचेंगे एयरपोर्ट 7 बजे की फ्लाइट।